चलिए एक और दिलचस्प रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर क्योटो के और काशी के रंग एक साथ नजर आ रहे हैं। कला और संस्कृति के नाम पर सबसे पहले जहन में दो ही शहरों का नाम आता है, एक काशी का नाम, दूसरा क्योटो का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को स्वीकारते हुए काशी को क्योटो बनाने का ख्वाब देखा और अब मोदी के इन्हीं ख्वाबों में रंग भरने में लगे हैं ये कलाकार। इस रिपोर्ट को देखिए। कैनवास पर उतरे मोदी के ख्वाब, काशी और क्योटो को उतारा मन के कैनवास पर, एक साथ नजर आए काशी और क्योटो। प्रदर्शनी के जरिए दोनों शहरों का हुआ संगम, काशी और क्योटो को करीब लाने की मिसाल, कलाकारों की भव्य प्रदर्शनी। आजकल मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कलाकारों का मेला लगा हुआ है जिसमें दिल्ली, आजमगढ़, इलाहाबाद, पटना जैसे जगहों से कलाकार आकर कला प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रदर्शनी में खास बात यह है कि यहाँ मोदी की सोच और सपने दोनों को काशी क्योटो समझौतों के रंगों के माध्यम से एक नई पहचान दी जा रही है। इस प्रदर्शनी के जरिए दोनों शहरों की समानताएं और विविधताओं को जनता के सामने प्रस्तुत करने का ये शानदार मौका माना जा रहा है। जो कलरफुल और आर्टिस्ट के ब्रशेस से हो, ये मैसेज था। और एक ये मैसेज था कि आर्टिस्ट ऐसे सोसाइटी में अभी तक किसी भी टाइप की पेंटिंग नहीं बनाई हुई है, ना ही कोई अभी कलाकृति तैयार हुआ है इस पे जो आर्टिस्ट के हाथ से बनाओ। तो एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि आर्टिस्ट कैसे उसको बनाता है और जनरल मासेस आकर उसको देखे, क्वेटो को बनारस, बनारस क्वेटो दोनों मिक्स करके और उसको अपने तरीके से फील कर सकते। ये सपना जब साकार होगा तब होगा, पर मन के कैनवास पर एक पल को ऐसा लगा कि जैसे काशी और क्योटो की रंगत और सभ्यता दोनों ही एक जगह पर आकर सिमट गई हैं। कहीं धर्म को जगह मिली, कहीं दोनों शहरों के संगीत का समागम हुआ, तो वही कुल मिलाकर ये कलाकार पीएम मोदी के उस सपने को पंख लगा रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को क्योटो की तरह बनाने को लेकर देखते आए हैं। दोनों जो हमारी वाराणसी और क्योटो बात करते हैं मोक्ष की, जब हम बुद्धा की बात करते हैं तो देयर इज अ पीस, देयर इज अ पीस लाइक आई डिपिक्टेड इन अ वाइट कलर। जब हम वाराणसी की बात करते हैं तो आई डिपिक्ट इन अ भगवा कलर लाइक ऑरेंज कलर। तो दोनों ही कलर जब हम बात करते हैं तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बात की जाती है। यहाँ मैंने सिंबॉलिक चीज़ें का यूज़ कर एक पूर्णतः गोला बनाया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण मैंने किया है। रंगों को अपनी अद्भुत रचना से कैनवस पर उकेरने का ये अद्भुत अंदाज काशी और क्योटो को और करीब लाने की शानदार मिसाल है। इस मौके के जरिए ही सही दो देशों के रंग, सभ्यता, संस्कृति का मिला जुला संगम आपको भी मोहित कर देगा। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस।